नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि आप फाइव पैसा में फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चले जाना है, यहां पर आपको अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिलेगा, इस लिंक पर आपको कर देना है क्लिक। यदि आप इस लिंक के थ्रू जाएंगे तो यहां पर आपको 2000 का 2 ब्रांड्स वाउचर मिलेगा, साथ ही यहां पर आपको 100 रुपीज वेलकम बोनस के तौर पर मिलेंगे। ये सभी एक्स्ट्रा बेनिफिट उन सभी को मिलेगा जो भी इस लिंक से अकाउंट ओपन करेगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस ओपन होगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, तो जल्दी से मैं मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूं। उसके बाद यहां पर आपको नीचे ओपन अकाउंट नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर 4 डिजिट का एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहां पर आपको डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद यहां पर आपको ओपन अकाउंट नाउ पर एक बार फिर से कर देना है क्लिक। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस ओपन होगा। यहां पर आपको ऊपर देखने को मिल रहा होगा स्विच टू मोबाइल ऐप, उसके सामने आपको ओपन का बटन दिख रहा है, उस पर आपको कर देना है क्लिक। हम आगे का प्रोसेस सभी ऐप में ही करेंगे, तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे प्ले स्टोर पर। यहां पर जाकर आपको सबसे पहले फाइव पैसा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, तो मैं जल्दी से डाउनलोड कर लेता हूं। और यहाँ पर हमारा फाइव पैसा एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओपन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको ओपन अ फ्री अकाउंट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर पहले डाले थे वही यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर 4 डिजिट का ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। डालने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको 5 स्टेप्स कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पर आपको नीचे रिज्यूम नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, तो जल्दी से मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ईमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड नंबर डालना है, तो यहाँ पर मैंने पैन कार्ड नंबर डाल दिया। उसके नीचे यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डिजी लॉकर के थ्रू केवाईसी करनी, तो कंटिन्यू विद डिजी लॉकर वाले बटन पर आपको कर देना है क्लिक। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको ऊपर टिक मार्क करके ऑथेंटिकेट आधार इस वाले बटन पे आपको कर देना है क्लिक। इसके बाद ये रिडायरेक्ट करेगा आपको डिजी लॉकर पर। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड नंबर डालना है, और यहाँ पर मैंने आधार कार्ड नंबर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर से लिंक है उस पर 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक बार फिर से अलो वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हमारी जो डिजी लॉकर की जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, हम नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल्स डालनी पड़ेगी, तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। याद रखें आपको अपने ही अकाउंट नंबर डालने, अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आईएफएससी कोड डाल देना है और वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फाइव पैसा की तरफ से वेरीफाई करने के लिए आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स डालनी पड़ेगी। सबसे पहला पूछा जा रहा है जेंडर, आप मेल फीमेल जो भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस, कि आप शादीशुदा हैं सिंगल है, तो यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है फादर्स का नेम, तो यहाँ पर आपको अपना फादर्स का फर्स्ट नेम डाल देना है और नीचे लास्ट नेम डाल के कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर आपको अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको नीचे टेक अ सेल्फी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अलो कर देना है, और यहाँ पर आपको अपनी एक क्लियर सेल्फी ले लेनी है, नीचे कैप्चर नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हमारी सेल्फी है वो अपलोड हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ड्रॉ पे वाले बटन पर आपको कर देना है क्लिक। इसके बाद यहाँ पर आप जैसा सिग्नेचर करते हैं वो जैसा यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। सेम टू सेम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप कोशिश करें थोड़ा बहुत सेम हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड, तो अभी हम सेगमेंट एक्टिवेट नहीं करना चाहते, तो नो सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब हम पहुंच चुके लास्ट स्टेप पर। यहाँ पर आपको ई साइन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको नीचे ई साइन नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन पर टिक मार्क करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे एनएसडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर ई साइन स्टेप कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर टिक मार्क करके आधार कार्ड नंबर डाल देना और सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है और वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारी लास्ट स्टेप जो है ई साइन, वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, यानी हमारा अकाउंट रिव्यू के लिए चला गया। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ घंटों बाद आपकी जीमेल आईडी पे यहाँ पर आपको आपकी यूजर आईडी रिसीव हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ पर आप अपनी यूजर आईडी देख पाएंगे, यदि आप चाहें तो इसे कॉपी भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम वापस से फाइव पैसा एप्लीकेशन में चले जाते हैं और उसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको नीचे प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा इस प्रकार। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे फॉरगेट पासवर्ड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, एटलीस्ट यहाँ पर आपको 8 डिजिट तक अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था यहाँ पर वो डाल देना, और नीचे यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ जो भी है यहाँ पर आपको लाइन से डाल देना है, पहले डे फिर मंथ यहाँ पर फिर आपका ईयर, और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो एम पिन सेट कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो यहाँ पर आप अपना स्किन लॉक भी सेट कर सकते हैं, तो मैं स्किन लॉक सेलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पर हमारा फाइव पैसा का जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीटली ओपन हो चुका है। और मैंने आपको बोला था कि यदि आप हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको 100 रुपये बोनस मिलेंगे, तो वो भी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 2000 रुपये का जो वाउचर मिलेगा वो भी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 100 रुपये बोनस के रूप में मिले। उसके बाद यहाँ पर आपको मेल आईडी पे यहाँ पर आपको ऐसा वाउचर भी रिसीव होगा। इस सभी के लिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।